वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया को सफर बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं। टीम इंडिया अब तक आपका 5 मुकाबला जीत लिए, जहाँ की सबने बेरो की 2011 के बाद में 2023 को ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर हो रहे हैं। तो यू वर्ल्ड कप जीतना के लिए प्रबल दावेदार इंडिया मानी जा रही है, और इंडिया ने यू वर्ल्ड कप जीतने बचे क्योंकि टीम इंडिया ने कोई भी वर्ल्ड कप जीतिया लगभग 12 साल हो गए हैं। 2011 में टीम इंडिया एमएस धोनी की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीती, बिके बाद में टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के लिए तरस रही है। बार बार टीम इंडिया वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला में चल जावे, लेकिन वजह से हार के वापस आ जावे। और अगर बात करें अब 2023 का वर्ल्ड कप के बारे में, तो 2023 में टीम इंडिया को सफर बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं। टीम इंडिया अब तक 5 मुकाबला खेलेंगी और 5वें मुकाबले में बहुत बढ़िया जीत हासिल करी है। वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया आपको पहले मुकाबला 8 अक्टूबर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलो, और वो मुकाबला टीम इंडिया 6 विकेट से आपको नाम कर लियो। इसके बाद में अगला मुकाबला टीम इंडिया 11 अक्टूबर ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेलो, और वो मुकाबला टीम इंडिया 8 विकेट से आपको नाम करियो। अफगानिस्तान ने हराने के बाद में टीम इंडिया अगला मैच 14 अक्टूबर ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलो, और टीम इंडिया पाकिस्तान की टीम ने अहमदाबाद में 7 विकेट से हरा दी। और पाकिस्तान की टीम यू मैच हारने के बाद में टीम इंडिया के दर्शकों पर बहुत ही इल्जाम लगाया, जिसको वीडियो आई बटन पर ऊपर मिल जैसी। और टीम इंडिया पाकिस्तान ने 7 विकेट से हराने के बाद में अगले मुकाबला 19 अक्टूबर ने बांग्लादेश के खिलाफ खेलो, और बांग्लादेश ने भी टीम इंडिया 7 विकेट से हरा दी। और अब ये 4 मैच जीतने के बाद में टीम इंडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती न्यूजीलैंड टीम ने हराना, क्योंकि टीम इंडिया आईसीसी इवेंट में 20 साल से न्यूजीलैंड टीम ने कोई रास की है, लेकिन इस बार टीम इंडिया सब रिकॉर्ड बदल दिया और 22 अक्टूबर ने इंडिया और न्यूजीलैंड को मैच हो, और यो मैच टीम इंडिया 4 विकेट से आपका नाम कर लियो। इस मैच में विराट कोहली और मोहम्मद शमी दोनों बहुत बढ़िया प्रदर्शन करिया, विराट कोहली 95 रन बनाया तो मोहम्मद शमी भी 5 विकेट लेके यो मैच टीम इंडिया का नाम कर दियो। तो टीम इंडिया ग्रुप स्टेज में बहुत ही बड़े खेल रही है, अब देखना होगा कि टीम इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल का मुकाबला जीत पाओगी कौन जीत पाओगी, क्योंकि हर बार टीम इंडिया ग्रुप मैच आसान से जीत लेवे, लेकिन फाइनल या फिर सेमीफाइनल में जाकर टीम इंडिया मात खा जावे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो चोखा लगे तो वीडियो लाइक करियो और चैनल भी सब्सक्राइब करके जाओ।